अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ बघारे वे चावल। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चले शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गैस का चूल्हा ऑन किया हुआ है, उस पर पैन रखा हुआ है और धीमी आंच पर हम 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। आप उसकी जगह घी भी ले सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तब एक छोटी प्याज स्लाइस काट कर शामिल करेंगे और इसे नरम होने तक भूनना है। प्याज इस तरह नरम हो चुकी है, तब हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कूटा हुआ शामिल करेंगे और उसे भी 1 से 2 मिनट तक उसकी भुनाई करेंगे। इतना भुनना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और उसमें खुशबू आना शुरू हो। अदरक लहसुन में भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई है, तब हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और उसे थोड़ा भुनेंगे। जब वो अच्छे से भून जाए तब 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे और पानी में हमें उबाल आने तक रुकना है। पानी में अब इस तरह उबाल आ रहा है, तब ये 1/2 किलो बासमती राइस 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा हुआ था वो हम शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक शामिल करेंगे। मिक्स करके उसे धीमी आंच करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब चावल हमारे पक के ऊपर आए और थोड़ी सी कसर बाकी हो तब उसे हम ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल जब इस तरह ऊपर आ जाए तब उसे चम्मच से एक दफ़ा फिर से हिलाए और उसे चेक करना है पके या नहीं। थोड़ी सी कसर बाकी है चावलों में, ढक्कन ढक के पकने छोड़ देना। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे तो चावलों का पानी सूख चुका है। तब हम 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने पानी में भिगोकर उसे फैलाकर शामिल करना है। 1 टेबलस्पून असली घी, इसे 5 मिनट के लिए उसे ढकना ढक के पकने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं ढक्कन हटाकर चेक करती हूँ। इस तरह चावलों का पानी भी पूरी तरह खुश्क हो चुका है और चावल भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। गैस का चूल्हा मैं ऑफ कर देती हूँ। तैयार है हमारे बघारे हुए चावल, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप अपना, अपने घर वालों का और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।